जामुल थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपी राहुल परिहार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुरानी कारों की खरीदी बिक्री को लेकर प्रार्थी दीपक मदान से लाखों रुपए की ठगी की थी। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार था। लंबे वक्त से फरार धोखाधड़ी के मामले का आरोपी राहुल परिहार को अंततः जामुल थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राहुल परिहार पुरानी कारों की खरीदी बिक्री के नाम पर अपने मित्र दीपक मदान से 15 लाख रुपए की ठगी की थी। प्रार्थी दीपक मदान को काफ़ी वक्त बाद अपने साथ हुई ठगी की जानकारी हुई, जिसके बाद प्रार्थी द्वारा जामुल थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। इस मामले में एक आरोपी रवि मिश्रा को पुलिस द्वारा पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन मामला दर्ज होने के बाद से राहुल परिहार फरार चल रहा था, जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले की जानकारी जामुल थाना प्रभारी केशवराम कोसले ने दी। थाना जामुल में अपराध क्रमांक 219/23 धारा 420 506 34 का दीपक मदान के लिखित आवेदन पर कायम किया गया था, जिसमें से आरोपी राहुल परिहार को गिरफ्तार किया गया है। इसमें आरोपी द्वारा प्रार्थी को अधिक लाभ कमाने का लालच देकर गाड़ी खरीद बिक्री का व्यवसाय करने के संबंध में पैसा लिया था, परंतु उनके पैसा वापस नहीं कर उनसे धोखाधड़ी किया। गौरतलब है कि प्रार्थी दीपक मदान और आरोपी राहुल परिहार बचपन के दोस्त हैं। आरोपी राहुल परिहार द्वारा दीपक मदान को पुरानी कारों की खरीदी बिक्री को लेकर झांसा देकर रकम ऐंठ ली गई थी। बहरहाल पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।